ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। खेमा राम जी चौधरी के साथ मुझे बहुत लंबे समय तक विधायक रहने का सौभाग्य मिला। इनको मैंने सरकार में मंत्री के रूप में भी देखा, प्रतिपक्ष में प्रतिपक्षी नेता के रूप में देखा, विधायक के रूप में देखा। यह व्यक्ति जब भी विधानसभा में बोला है, विधानसभा का रिकॉर्ड इस बात का साक्षी है, वो कभी बनावटी बात नहीं करता था, जो सच्चाई है उसको लाने का प्रयत्न करता। और अब की बार वो जब से विधायक आया है, जब जब भी विधानसभा में बोला है, उसने अपने मन की पीड़ा इस सदन के रिकॉर्ड पर लाया है। दो ग्रुप बने होंगे, वो एक ग्रुप के साथ होगा वो एक अलग बात, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी जनता के लिए इस विधानसभा में रिकॉर्ड कराया था कि मेरे से कोई अगर आपको नाराजगी है तो मुझे सजा दे दो, पर मेरी जनता को सजा मत दो। मेरी जनता ने जो सोचकर मुझे विधायक बनाया है, उस जनता की सेवा करना सरकार का धर्म है। और उसकी भी जब पालना नहीं हुई तो उन्होंने हाउस में भी कई बार कहा कि मुझे सदन छोड़ के चले जाना ज्यादा अच्छा लगता है, और आज उन्होंने वही काम किया है। मैं सोचता हूं ऐसे राजस्थान की विधानसभा में बिरले ही कभी केस हुए होंगे कि कोई विधायक अपनी सदस्यता अपनी जनता की परेशानियों को देखकर और उसका कोई हल न निकालने के कारण से दे रहा है। हेमा राम जी का उदाहरण ये इसी बात का है कि वास्तव में वो किसी भी पार्टी में हो, मेरे पक्ष में हो, विपक्ष में हो, लेकिन विधानसभा में भी उन्होंने अपनी बात को जिस संवेदना से रखी, वही मैंने इस बार देखा है। और उनका ये त्यागपत्र हम सब लोग के लिए बहुत ही सोचनीय विषय है, जिस पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।